हेलो फ्रेंड्स, बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं और हम आए हैं अपने घर हल्द्वानी, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है। हमारी ड्रेस देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं। कहाँ, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा रुक कर मम्मी जी की तो सुन लें। आपके भी आने का मन था? मन तो था मधु, आप कैसे आई नहीं जाती ना, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हाँ, वो आई जाई लागू ना। तुम जाओ, आ जाना शाम को आराम से, है ना। मम्मी को कहना थोड़ी से, मेरी सास कह रही मेरा मन जा रहा है, कोई कोई चीज़ दे देना थोड़ी 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 वो था पिनाओ। हाँ, पिना पिने रखे हैं, कह रहे थे वो। हाँ। सब्जी तो उन्हें हटो खाम मन हो रो। हाँ। अब क्या करें, ठीक है पूरी सब्जी ले आएंगे सब। वो वाली पिनालू सब्जी बहुत ही अच्छे बनाते हैं। पकी हुई तो आज नहीं पकाई होगी, दूसरे दिन। हाँ ठीक है, ठीक वैसे ही ले आना, हमें बना लूँ। हाँ ठीक है ना। हाँ जाओ फिर आराम में। और आ जाओ मम्मी, पापा जा रहे हैं। मम्मी चलिए, कर लो कैसा है? बहुत अच्छा है। चलो चलो पापा चल रहे हैं। बस बालों की मोए मोए हो गई, सारे बाल कट गए। अरे चल चलो मम्मी पापा जा रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ। नहीं लेके जाते सिब्बू को, नहीं लेके जाते। तो मम्मी आ जाइए बस, ठीक है ठीक है यार, इसको देखो। सिब्बू आगे से बैठेगी? नहीं मैं बैठूंगी। दोस्तों ये है मेरे पापा और मैं आई हूँ अपने मायके और यहाँ पे चल रही है पार्टी। दरअसल आज मेरे भाई के बेटे का अन्नप्राशन संस्कार है, जो कि छठे माह में होता है, तो हम इस पार्टी में आए हुए हैं। मेरे मायके का घर और मेरे भाई का बिजनेस, इसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पार्टी में ज़्यादा मेहमान नहीं है, बस हम लोग हैं और भाभी के मायके वाले हैं। बाकी पार्टी नामकरण संस्कार में दे दी थी। तो यहाँ पे ये है मेरी मम्मी और ये है भाभी की मम्मी, तो यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है थोड़ा सा। सुंदर लग रही आज तो। ये है मेरी भाभी जो कि किचन का काम कर रही है और इन्हें जल्दी जल्दी काम करके जाना है पूजा में, क्योंकि इन्हें लेट हो रहा है और बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, इन्हें पूजा करने देते हैं, हम फोटो सेशन करवाते हैं। भाई भाभी बैठे हैं पूजा के लिए और मुझे ड्यूटी मिली है छोटे से बेबी को पीले कपड़े पहनाने की। तो देखिए कितना प्यारा बच्चा है, हंसते रहता है, रोता भी नहीं है, कितना प्यारा है, खुद ही देख लीजिए। वाकई में तुम्हारी सही तारीफ होती है।
बीच में रखो, हाँ पीछे रखो, और खुल जाएगा, खुल जाएगा, और आगे। अरे वो उसकी नजर ही उधर है, मुझे और देखा ही नहीं अभी। अभी रुको, सही अपने आप छोड़ो, देखा पैंट पकड़ना पीछे कर, छोड़ दिया, छोड़ दिया, पैंट को छोड़ दिया। नहीं छुआ पेन को, देखा भी नहीं उसने पेन को, वो देख पैसों को पकड़ रहा हो। अब मुंह में डाल रहे, मुंह से हटा लो। मम्मी को पहचान गया, कितना का खिलाना है, कौन चम्मच यहाँ भी देते हैं, इसमें देते हैं, मामा वाले में नहीं देते, मामा में मामा देगा भाई। ये सारा खाना मैं मम्मी जी के लिए लाई हूँ, लेकिन अफसोस वो ज़्यादा खा नहीं पाती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा एक एक चम्मच सब कुछ टेस्ट किया और बोलने लगे कि पेट भर गया, पूरी तो देखी भी नहीं उनने, आधी पूरी खाई थी, सॉरी। ये है सफ़ेद रसगुल्ले, मम्मी जी को बहुत पसंद है, अभी तो नहीं खाए, बाद में खाएंगी। और ये है गडेरी पिनाव जो मम्मी कह रही थी लेके आना, मैं उस वक्त भूल गई थी, मेरी मम्मी बाद में दे गई, तो ये है गडेरी। ये है लीची, मेरे मायके में इसके 3 पेड़ हैं, तो मम्मी साथ में ये भी लेके आई है, तो ये है गडेरी और लीची जो कि मेरी मम्मी दूसरे दिन लेके आई। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस समर वेकेशन की बहुत सारी यादें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।